नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक महिला ने उस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उसके इल्जाम और खुलासे होश उड़ाने वाले हैं, जो सीधे सीधे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दुनिया को अलविदा कह चुकी अंकिता भंडारी ने ऋषिकेश के वनतरा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसी रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया है, जिस पर अब तक कयासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्य का रिजॉर्ट जिस्म फरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको बताते हैं उसी रिजॉर्ट की असलियत, जहां काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ ने पुलकित की पोल खोल कर रख दी। उस लड़की ने रिजॉर्ट की हकीकत को खुलकर बयां कर दिया है। उसने बताया कि कैसे पुलकित वहां घिनौने काम करता था। रिजॉर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने बताया, मैं वहां काम करती थी, वहां घिनौनी हरकतें होती थी, लड़कियों को गंदी गालियां दी जाती थी। दरअसल पुलकित का काला चिट्ठा खोलने वाली ये लड़की मेरठ की रहने वाली है। वो और उसका पति भी पुलकित के रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं, दोनों ही वहां नौकरी करते थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहां पुलकित गलत धंधे को शह देता था। इस पूर्व महिला कर्मचारी की माने तो वनतरा रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहां लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्य रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था। महिला का कहना है कि पुलकित आर्य ने उसे भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। वहीं अंकित गुप्ता लड़कियां लेकर आता था, रिजॉर्ट में गलत हरकतें होती थी। कुछ ऐसे ही आरोप इस महिला के पति के भी हैं। वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुका है। पहली बार कैमरे पर पुलकित, उसके दोस्तों और उसके रिजॉर्ट की असलियत सामने आई है, वो असलियत जिसे अंकिता भंडारी बेनकाब करना चाहती थी। फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी, और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया, तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी, और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति। स्वाति मैम तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो? मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी मैम उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है, पुलकित आर्य से जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रहे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट है, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे, और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। और 1 महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है, हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी, तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, पुलकित आर्य की भी, अंकित की भी, और सौरभ भास्कर जी की भी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, और वो कॉल 1 हफ्ते तक आई। 1 हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो 1 हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा आज के बाद, आप आइए यहाँ पे वर्क काम कीजिए, और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है 1 हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए, और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा। और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया, तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए, और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं, मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना।
तो अंकिता भंडारी केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सौ पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस मामले से जुड़े पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जे जे एन न्यूज़।